हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2018 का अभी प्रेस रिलीज किया गया है, जो आपको बताया गया है, जो आप लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई है। तो पूरा इस वीडियो में आपको रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि कितना हाईएस्ट मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आया है। और जो भी आपको सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है 300, 400 या 148, ये सब रेलवे ने बताया है कि ये गलत है। ये आपका मनगठन कहानी बना के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको नोटिस बताते हैं कि रेलवे ने कितना हाईएस्ट मार्क्स बताया है और उसमें क्या बताया गया है। तो चलिए आपको नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, कि जिससे जो भी स्टूडेंट अभी भी कन्फर्म नहीं है उनको ये मालूम चल जाए कि रेलवे ने अभी क्या नोटिस जारी करके क्या डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं रेलवे द्वारा क्या अपडेट किया गया है। दोस्तों, आरआरबी कलकत्ता के जैसे ही ट्विटर अकाउंट पे आइएगा तो देखिए जस्ट नीचे यहाँ पे 5 घंटे पहले एक नोटिस अपडेट किया गया है। तो देखिए इसमें अपडेट में यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है रिजल्ट फॉर PT एंड लेवल 1 के लिए आपको बताया था। इसमें हम आपको हिंदी में बता देते हैं कि रेलवे ने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट आपका लिया गया है 152 डे में आपका क्लियर किया गया था एग्ज़ाम, जिसमें कैंडिडेट 1.89 करोड़ एप्लीकेशन भरा था। और जो आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला आप लोग भी बहुत सारे देखे होंगे, अभी सोशल मीडिया पे आ गए हैं, आपको मालूम चल गया होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया, इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो इस फार्मूला पे अप्लाई किया गया, रेलवे बता रहा है कि मैं इस फार्मूला को 2000 में से जो भी एग्ज़ाम हुई है रेलवे के, उस पे इस फार्मूला को अप्लाई करके नॉर्मलाइजेशन करता हूँ, जिसमें हाईएस्ट हो सकती है और मार्क्स डिक्रीज भी हो सकती है। तो मैंने इसी फार्मूला को अप्लाई किया हूँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब बात करते हैं हम आपका जो यहाँ पे बताया गया जा रहा है, आपका जो ऑब्जेक्शन का डेट दिया गया था 14 से 20 जनवरी, जिसमें नंबर ऑफ इतने कैंडिडेट 1.58 लाख कैंडिडेट ने ट्रैक कर किया था, मतलब इसमें मतलब ऑब्जेक्शन किया गया था। और जो PT के लिए आपका जो रिजल्ट आया था 3 टाइम्स आया गया है। अब देखिए रेलवे ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों को बताया जा रहा है, जो रेलवे ने बताया है जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ एनी कैंडिडेट इज इन द सैड एग्जाम 126.13 मार्क्स बताया जा रहा है। और एनी मार्क्स जो आपका बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो सभी मनगठन कहानी है। तो इसका मतलब यही पूरा निकल के आता है हिंदी में। तो रेलवे ने क्लियर कर दिया कि जो रेलवे की तरफ से वो 126 मार्क्स आए हैं हाईएस्ट मार्क्स, और जो भी आपको सोशल मीडिया पे 148 जो सबसे वायरल हुई है, ये सब फेक बताया जा रहा है। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में अपडेट में मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत डाउट क्लियर नहीं हुए हैं कि बहुत सारे रिजल्ट बता रहे हैं 0.8 या सब ठीक पे उसको PT के लिए यस किया गया हुआ है। तो ये सब भी डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। अब नहीं आपका कितने मार्क्स आए हैं या कितने आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, वो भी रेलवे ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने आपके नॉर्मल मार्क्स आ रहे थे रॉ मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हैं वो सिर्फ बताया गया है, रॉ मार्क्स नहीं बताया गया है। नहीं आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को इरेज किया गया था, मतलब जो गलत क्वेश्चन थे उसको नहीं लिया गया, ये सब अभी रेलवे ने नहीं बताया है। तो अभी भी डाउट है, अभी भी रेलवे ने पूरा डाउट क्लियर नहीं किया है। जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको फिर बताएँगे। तो आप तक जब तक आप कोई भी न्यूज आती है तो उस पर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये न्यूज़ मालूम चल सके। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट आपसे मैं फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।